फायर एंड आइस ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सो so, इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको जो फायर एंड आइस है ना ये एक आइडिया एक्सप्रेस करती है कि जो वर्ल्ड है वो दो तरीके से एंड होगा रॉबर्ट जो है वो इसमें बताते हैं कि मैं जो है वर्ल्ड में जाता हूँ तो लोगों को देखता हूँ सुनता हूँ उनको तो लोगों का जो वर्ल्ड को ख़त्म होने की थ्योरी है तो वो दो तरीके से है मतलब कुछ लोग तो मानते हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा ये वर्ल्ड फायर में एंड हो जाएगा फायर में कैसे कि जो है आ, अर्थ में जो वॉल हैं वो एक दिन फटेंगे और अर्थ में से जो है लावा वगैरह बाहर आएगा और टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि लोग जो है फायर की वजह से मर जाएंगे पर कुछ लोगों का मानना होता है कि नहीं वो फायर की वजह से नहीं मरेंगे वो किसकी वजह से होगा जो वर्ल्ड है वो किसकी वजह से ख़त्म होगा वो आइस की वजह से ख़त्म होगा कि जो पूरा टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा डाउन चला जाएगा इतना ज़्यादा डाउन चला जाएगा कि ह्यूमन लाइफ को यहाँ पर एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा कहते हैं कुछ लोगों का ऐसा मानना है तो कहते हैं जो दोनों ही कंपोनेंट हैं चाहे वो अर्थ वो वो हो चाहे वो फायर हो चाहे वो आइस हो ये सब क्या है ये सब जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं तो पोइट ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी कि इतनी सुंदरता से इस फायर और आइस को उन्होंने किससे यूज़ करा उन्होंने जोड़ दिया इसको ह्यूमन इमोशन से और कौन से इमोशन से हेटरेड और डिज़ायर से इस पोएम में जो रॉबर्ट हैं रॉबर्ट फायर को कंपेयर करते हैं डिज़ायर से और वो आइस को कंपेयर करते हैं हेटरेड से ठीक है तो उनका मानना है कि ये जो फायर है ना मैं इस फायर को किसकी तरह मानता हूँ डिज़ायर की तरह मानता हूँ और आइस को किसकी तरह मानता हूँ मैं आइस को हेट की तरह या हिटरेड की तरह मैं इसको मानता हूँ तो ये दोनों क्या है ये दोनों ह्यूमन इमोशंस ही हैं तो कहते हैं लोगों का जो मानना है ना कि जो फायर से एंड हो जाएगा आइस से एंड हो जाएगा कहते हैं हाँ मैं भी जो है बिल्कुल उनसे सहमत हूँ पर यहाँ पे अपनी पोयम में रॉबर्ट क्या करते हैं रॉबर्ट कंपेयर करते हैं फायर को डिज़ायर से और आइस को कंपेयर करते हैं वो हेट्रेड से ठीक है सो इस पोएम को उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी फिलोसफी के साथ एक्सप्लेन करा है कि कैसे इमोशंस जो हैं कैसे ये इमोशन कौन से इमोशन डिज़ायर और हेट्रेड कैसे एक पर्सन को जो है कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और श्योरली ये दोनों ही किस में अल्टीमेटली लेड करते हैं एक पर्सन को बर्बाद करने में उसकी लाइफ को रून करने में उसको डिस्ट्रॉय करने में जो है ये दोनों ही पॉसिबल है दोनों कर सकते हैं ठीक है डिज़ायर्स डिज़ायर्स क्या होती हैं डिज़ायर्स जो हैं इच्छाएं होती हैं ठीक है ठीके? अब क्या इच्छा रखना गलत है नहीं इच्छा रखना ठीक है बट ह्यूमन वांट्स कैसी होते हैं ह्यूमन वांट्स वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड और रिसोर्स कैसे होते हैं लिमिटेड ठीक है अब अभ, अभी एक पर्सन के पास साइकिल है तो अब उसको जो है ऐसा डिजायर हो गया कि मेरे पास बाइक होना चाहिए बाइक मिल गई तो उसको डिज़ायर होता है कि मुझे कार होनी चाहिए कार मिल गई तो उसको लगता है बड़ी कार बड़ी कार हो गई तो अब हेलीकॉप्टर एरोप्लेन पता नहीं क्या क्या मतलब ह्यूमन वॉन्ट्स कैसी होती हैं दे आर अनलिमिटेड तो डी जो डिज़ायर्स है ना ये डिज़ायर्स जब पूरी नहीं होती तो पर्सन कैसे बिहेवियर शुरू कर देता है एक वॉयलेंट बिहेवियर पर आ जाता है और अपने उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करना शुरू कर देता है ठीक है ऐसी जो आइस है वो क्या है वो हेट को शो करती है तो एक पर्सन जो है मतलब किसी की खुशी से इतना खुश नहीं है जितना उसके दुख से वो ज़्यादा खुश हो रहा है यानी उससे कहीं ना कहीं वो नफरत अपने मन में रख रहा है अब अब हमने क्या करा अब एक पर्सन जो है वो अपने मन में दूसरे के लिए नफरत रख रहा है दूसरे को नहीं पता कि मेरे लिए नफरत है कि नहीं वो दूसरा अपने मजे से अपना काम कर रहा है वो खुश है सब कुछ बढ़िया है बट ये वाला पर्सन जो नफरत रख रहा है वो उसको देख देख के जल रहा है वो उसको देख देख के परेशान हो रहा है तो किसका नुकसान हो रहा है जिससे वो नफरत कर रहा है उसका नुकसान हो रहा है या जो कर रहा है नफरत उसका खुद का अपना हो रहा है जो कर रहा है नफरत उसका खुद का अपना नुकसान हो रहा है वो तो खुश है तुम उसे देख देख के परेशान हो रहे हो तो ऑथर ने ये कहा है रॉबर्ट ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये जो हेटरेड है ना ये इमोशन भी जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लोगों को जो है ख़त्म करेगा ठीक है तो उसका यही मानना है कि एक बहुत ही जो है ख़तरनाक एंड होगा रॉबर्ट का अगर लोगों का मानना है ना फायर आइज तो मैं भी मानता हूँ और इससे क्या होगा बहुत ही खतरनाक एंड जो है वर्ल्ड uh, का हो जाएगा ठीक है चलिए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में यही हमारा कि कुछ लोगों का मानना है दैट सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कहते हैं कुछ लोगों का मानना है कि वर्ल्ड किस में एंड होगा फायर में एंड होगा और कुछ का मानना है दैट सम से इन आइस मतलब वो दोनों दोनों से ही एग्री करते हैं वो दोनों से जो है ऐसा नहीं है कि वो दोनों को आ, मतलब मना कर रहे हैं कि नहीं ये वाला सही है ये गलत है ऐसा नहीं वो दोनों को मानते है। कहते हैं हाँ मैं भी मानता हूँ कि फायर से भी एंड हो सकता है मैं मानता हूँ आइस से भी एंड हो सकता है फ्राम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ़ डिज़ायर पर कहते हैं जहाँ तक मुझे डिज़ायर्स के बारे में पता है डिज़ायर्स किस को कम्पेयर करा था फायर को फायर को किससे कंपेयर करा उन्होंने डिज़ायर से पर कहते हैं जहाँ तक मेरा डिज़ायर का मानना है ना आई होल्ड विद दोज़ हु फेवर फायर तो कहते हैं हाँ अफकोर्स मैं किनके साथ जाता हूँ फिर मैं मैं उनके साथ जाता हूँ जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड किससे एंड होगा फायर से एंड होगा ठीक है तो पहले पैराग्राफ में जो है रॉबर्ट किसको फेवर कर रहे हैं वो फायर को फेवर करते हैं क्योंकि कहते हैं जहाँ तक मुझे डिज़ायर्स के बारे में पता है ना तो हाँ मुझे पता है कि डिज़ायर्स एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी क्या करेंगी जो जल्दी जो है वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती है ठीक है जैसे अभी कंट्रीज़ हैं अब हर कंट्री में जो है होड़ लगी हुई है एक से दूसरे से आगे निकलने की वर्ल्ड पावर बनने की जैसे अब अब करंट सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि वो चाइना ऐसा कर रहा है कि अब वो वर्ल्ड की पावर बन जाए बट बाकी कंट्रीज डिसाइड कर रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं क्या है सबके मन में डिज़ायर ही तो हो रही है अब ये डिज़ायर कहाँ लेड करेगी एक कैटास्ट्राफिक एंड पे लेड करेगी यानी खतरनाक एंड पे ले जाएगी कहीं ना कहीं तो जहाँ तक डिज़ायर्स का मानना है रॉबर्ट के अकॉर्डिंग उनका भी मानना है कि ये जो वर्ल्ड है ये किससे ख़त्म हो सकता है फायर से ख़त्म हो सकता है ठीक है सो जब इस पैराग्राफ की उन्होंने स्टार्टिंग करी उस स्टार्टिंग में उन्होंने एक आइडिया बताया कि यहाँ पे जो है मैं वर्ल्ड को जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे दो तरीके लोगों को पता है कि वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा कुछ का मानना है ये तो आई से ख़त्म होगा या फिर ये फायर से ख़त्म होगा सो so, जो है जो फायर से मानते हैं उनका यही मानना है कि अर्थ का कोर जो है वो एक दिन इतना ज़्यादा हीट अप हो जाएगा कि उसमें से वॉल्कनोज वगैरह बाहर आएंगे जो फायर है वो इतनी फैल जाएगी कि पूरे अर्थ के सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देगी बट जो दूसरा ग्रुप है उसका ये मानना है कि नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन चला जाएगा कि जो है अर्थ पे ह्यूमन लाइफ जो है वो सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा जिसकी वजह से एक ख़तरनाक एंड होगा तो जैसे एंटार्टिका में एंटार्टिका में कोई भी ह्यूमन लाइफ नहीं है ना कोई प्लांट लाइफ है कुछ नहीं है बस दो चार स्पीशीज़ हैं जो वहाँ पर सर्वाइव करती है तो ऐसे ही उनका मानना है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा कि जो है लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी तो पो, पोएट क्या करते हैं पोएट फिर कंपेयर करते हैं फायर और आइस को किसके साथ दो डिस्ट्रक्टिव फ़ीचर्स जो ह्यूमन इमोशंस के हैं कौन कौन से डिज़ायर और हेटरेड वो फायर को क्या मानते हैं वो फायर को कंपेयर करते हैं डिज़ायर से वो आइस को किससे कंपेयर करते हैं हेटरेड से और फिर वो फर्दर कहते हैं कि जहाँ तक ना इन डिज़ायर्स की बात है और जहाँ तक मैंने डिज़ायर्स को जाना है जहाँ तक मैंने ह्यूमन डिज़ायर्स को देखा है मैं फेवर करता हूँ उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि हाँ वर्ल्ड किससे एंड हो जाएगा फायर से एंड हो जाएगा ठीक है तो इससे वो क्या बताते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने इस इमोशन को रूल नहीं कर पाते हैं और ये इमोशंस उनको कंट्रोल करता है ये डिज़ायर उनको कंट्रोल करना शुरू कर देती है जो किसको को लेड करती है एक कैटोस्ट्रॉफिक एंड को लेड करती है ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फिर नेक्स्ट में बोलते हैं बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस इट क्या है यहाँ पे ये यह इट यहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड को बोला है ठीक है इट किसको बोल रहे हैं वो यहाँ पे वो इट वर्ल्ड को बोल रहे हैं कहते हैं अगर वर्ल्ड को क्या होना है पैरिश पैरिश माने पैरिश का मीनिंग देखिए क्या लिखा है डाई पैरिश माने ख़राब होना ख़त्म होने को भी बोलते हैं सो so, पैरिश अगर इस वर्ल्ड को ख़त्म होना है कितनी बार दो बार अगर इस वर्ल्ड को दो बार ख़त्म करना है ना तो कहते हैं आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट तो कहते हैं कि हाँ मैं सोचता हूँ कि हेट भी क्या है हेट भी इनफ है किस चीज़ के लिए इस वर्ल्ड को पैरिश करने के लिए इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए जो आइस है ये आइस भी जो है इनफ है जैसे उन्होंने फायर को बताया कि भाई फायर का तो मैं मानता हूँ कि हाँ फायर बिल्कुल एक है जो ख़त्म कर देगा यानी डिज़ायर्स कहते हैं बट जहाँ तक हीटरेट की बात है ना यानी जहाँ तक आइस की बात है तो बिल्कुल ये आइस भी क्या कर सकती है अगर दोबारा ख़त्म करना है तो आइस जो है ये बहुत सफिशियंट है इसको ख़त्म करने के लिए सो so, uh, और कहते हैं बट इफ़ यू हैड टू पेरिश ट्वाइस पेरिश ट्वाइस बोल रहे हैं मतलब वो क्या नहीं कर रहे वो वो जो पहले वाला ऑप्शन है वो उसको वेव ऑफ नहीं कर रहे हैं पहला ऑप्शन क्या था कि अर्थ किससे ख़त्म होगा फायर से ठीक है तो ये जो फायर से खत्म होगा इस वाले ऑप्शन को वेव ऑफ़ नहीं कर रहे वो कह रहे हैं इसको तो मैं मानता हूँ कि फायर से तो खत्म होगा ही होगा बट मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर दो बार ख़त्म होना है ना तो आइस भी उतना ही इक्वली कॉम्पिटेंट है क्या करने के लिए इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए जितना क्या है जितना आपका फायर है ठीक है तो यहाँ पे वो एक कॉन्ट्रास्ट लेकर आते हैं किसके बीच में आइस और हेट्रेड के बीच में तो उनका मानना है कि जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है जो इंसेंसीटिविटी है किसके प्रति हेट्रेड के प्रति ये अच्छा ये जो हेटरेड है ये कैसा डिस्ट्रक्शन कर रहा है इनर डिस्ट्रक्शन कर रहा है या आउटर डिस्ट्रक्शन कर रहा है आप अगर किसी से नफरत कर रहे हैं तो इनर डिस्ट्रक्शन हो रहा है यानी खुद का डिस्ट्रक्शन हो रहा है या आउटर डिस्ट्रक्शन हो रहा है यानी दूसरे का डिस्ट्रक्शन हो रहा है कैसा डिस्ट्रक्शन हो रहा है इनर डिस्ट्रक्शन हो रहा है ठीक है तो जो हेटरेड है ये हेटरेड कैसा डिस्ट्रक्शन लेड करती है ये खुद का इनर डिस्ट्रक्शन कराती है मतलब जो हेटरेड के अंदर जो पोटेंशियल है ना जो आइस के अंदर पोटेंशियल है वो कैसा है जो हेटरेड के अंदर पोटेंशियल है वो अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन का है सो so, हम जो है धीरे धीरे क्या है इट हैज़ द सेम इफेक्ट जैसा किसका होता है डिज़ायर का होता है मतलब डिज़ायर हमें क्या करती है जैसे डिज़ायर हमको ख़त्म करती है डिज़ायर हमको एक वॉयेंट बिहेवियर की तरफ ले जाती है ऐसे जो हेटरेड है ये भी कहीं ना कहीं ऐसा ही रोल प्ले करती है सो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफ़िस सफ़िस मीन्स सफिशियंट तो कहते हैं जहाँ तक मेरा मानना है ना डिस्ट्रक्शन की बात का तो जैसा डिस्ट्रक्शन किसने करा है जैसा डिस्ट्रक्शन फायर करती है ऐसा ही डिस्ट्रक्शन जो है आइस भी कर सकते हैं और आइस इसके लिए सफिशियंट है तो वो यही मानते हैं कि जहाँ तक फायर और आइस की बात है दोनों ही क्या है दोनों फायर और आइस दोनों ही क्या है दोनों ही कम्पिटेंट है इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए बट अगर हम बोलें कि भाई थोड़ा ज़्यादा उसने किसको फेवर करा है रॉबर्ट ने थोड़ा ज़्यादा किसको फेवर करा है इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए तो किसको फेवर करते हैं वो फेवर करते हैं फायर को उनका मानना है कि जो डिज़ायर्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पिटेंट है किस चीज़ के लिए इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए बट उनका यह भी मानना है कि आइस भी उतनी ही कम्पिटेंट है जितनी कि क्या है फायर इस वर्ल्ड को क्या करने के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए ठीक है तो दोनों को ही कम्पिटेंट मानते हैं बस थोड़ा सा ज़्यादा किसको मान रहे हैं वो फायर को मानने क्लियर यहाँ तक सबको ठीक है छोटी पोए है दोनों बट इन दोनों का बहुत डीप मीनिंग है अच्छे से समझिएगा आप एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये अब इसमें राइमिंग स्कीम देखिए राइमिंग स्कीम क्या है जल्दी बताइए फटाफट राइमिंग स्कीम क्या है चेक करिए फायर ए आइस बी डिज़ायर ए फायर ए ठीक है तो क्या हो गया आपका ये हो गया आपका ए बी ए और फिर टॉइस सी और हेट हेट आपका हो गया डी फिर सी फिर डी और फिर सी ठीक है सो सी डी सी डी सी क्लियर ठीक है तो राइमिंग स्कीम आप इसकी करिएगा अभी जब क्वेश्चंस कराऊँगा तब मैं उसको लिखवाऊंगा नेक्स्ट uh, है हमारा इसमें आप पोल्ट्रिक डिवाइस देखिए पोल्ट्रिक डिवाइस में हमारा एलिट्रेशन देखिए एलिट्रेशन कहाँ है एलिट्रेशन आपका इसमें दो लाइन में है एक तो है फेवर फायर ठीक है फेवर फायर फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन फेवर फायर इसमें क्या आपका एलिट्रेशन है एफ़ और एफ़ रिपीट हो रहा है दूसरा है आपका आ, वर्ल्ड वेल ठीक है वर्ल्ड विल वर्ल्ड विल में क्या हो रहा है वर्ल्ड विल में आपका जो है डब्लू डब्ल्यू आपका रिपीट हो रहा है ठीक है फर्स्ट लाइन में है वर्ल्ड विल यहाँ पे डब्लू डब्ल्यू इन दोनों में आपका जो है आ, एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है ठीक है एक आपका इसमें जो पोइट्रिक डिवाइस है वो इमेजरी यूज़ हो रहा है इमेजरी होता है कि ऐसा एक इमेज क्रिएट करवाना ठीक है तो ये वाली जो लाइन है ना आपकी सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर तो जैसे हम इस लाइन को पढ़ते हैं दैट सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कि कुछ का मानना है कि वर्ल्ड किस में एंड हो जाएगा फायर में तो तुरंत हमारे दिमाग में इमेज बनती है कि इसे चारों तरफ आग लग रही है ठीक है सो तो ये जो ये होता है इस पोएट्रिक डिवाइस को बोलते हैं इमेजरी तो इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है हमारा इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है ठीक है और नेक्स्ट चलिए बाकी जब मैं इसके लिखवाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा स्मॉल पोइट्री डिवाइस ठीक है क्लियर तो अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही करेंगे एन के जो क्वेश्चंस हैं मैं इनके आंसर्स लिखवाऊंगा आपको प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ लिखवाऊंगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और जो है आपको इन एक्स्ट्रैक्ट के जो हैं वो क्वेश्चन लिखवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ठीक है चलिए रिवाइज़ करिएगा इसको अच्छे से पढ़ेगा थैंक यू